अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग यार। आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग बिल्कुल इजीली अपनी माइनक्राफ्ट की होस्टिंग खोल सकते हो। हाँ, सो यार इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। आगे आने वाली वीडियोस में ये मैं पूरी एक सीरीज प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें मैं सब बताऊंगा कैसे बिलिंग मॉड्यूल सेटअप होता है, कैसे पैनल चलता है, कैसे सर्वर्स वर्क करते हैं। सो देखो यार, ये मैंने आपके लिए कुछ छोटा सा डेमो बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, एक VPS लेंगे, ठीक है, बाय करेंगे VPS होस्टिंग बनाने के लिए। अब जिनको नहीं पता VPS क्या है, तो यार ये समझ लो एक ऑनलाइन ना आपका कंप्यूटर है, ठीक है। एक कंप्यूटर या कंपनीज जो भी होती है उन्होंने उसके अंदर VPS बनाया होता है, यानी कोई Ubuntu का सर्वर इंस्टॉल कराया होता है जिसपे भी हमारे ये वाला पैनल इंस्टॉल होता है, ठीक है, टेरोडेक्टाइल पैनल। तो जैसे Ubuntu पे होता है तो ये ना आपकी मशीन के अंदर यानी कंप्यूटर में Ubuntu डालेंगे और वो सर्वर आपको रेंट पे दे देंगे, ठीक है, उसकी IP दे देंगे लॉगिन करने के लिए। तो आप इस VPS को लॉगिन करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये VPS हमने लिया है 32 GB का, ठीक है, और इसके कुछ कोर्स वगैरह भी हैं जैसे CPU कोर्स भी होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ से आप ले सकते हो। सही है, 32 GB का आपने VPS लिया, तो अब क्या होगा, इसके ऊपर ना हम अपना ये टेरोडेक्टाइल पैनल इंस्टॉल कराएंगे, ठीक है, जहाँ से सर्वर डिवाइड होते हैं। तो हम उसके लिए ये देखो, अगर आप होस्टिंग खोल लो ना तो आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है एक महीने के लिए आपने होस्टिंग खोली आपको लग रहा है उसी में प्रॉफिट है, तो यार अच्छा खासा पैसा लगता है। तो हम ना एक होस्टिंग लेंगे, वेब होस्टिंग, उसके ऊपर ना अपनी वेबसाइट का मेन डैशबोर्ड बनाएंगे। अब ये कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ये एक मेन डैशबोर्ड है शॉक बाइट होस्टिंग का, यहाँ पे है, आप इधर क्लिक करोगे आप इस पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो इसके लिए हम बिलिंग मॉड्यूल भी यूज करेंगे, इस टाइप से एक मेन वेब है, वो आप गूगल से भी इसके HTML CSS लेके वेबसाइट पर अपलोड कराओ, आपका मेन डैशबोर्ड कम्प्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से जो भी यूजर होगा ना, ये आपकी एक ही डोमेन आप बाय करना, ठीक है, जैसे .com ले ली फॉर एग्जाम्पल आपने डोमेन, तो हम क्लाउड फ्लेयर के थ्रू ऐसा कर देंगे जैसे panel.yourservice.com, panel.yourservice.com, billing.yourservice.com, ऐसे एक ही डोमेन को आप बहुत सारी भी बना सकते हो, सब डोमेन्स बना सकते हो। तो इस डैशबोर्ड से जैसे ही बंदा क्लिक करेगा ना किसी भी प्लान पे, तो वो ऑटोमेटिक बिलिंग मॉड्यूल पे चला जाएगा। अभी यहाँ अपना WHMCS यूज कर सकते हो, लेकिन यार उसके ऊपर भी आपके अच्छे खासे पैसे ठुकेंगे। बट यार WHMCS की तरह एक बहुत अच्छा सा यार सॉफ्टवेयर आया है, उसका नाम है पेमेंटर। ये बहुत अच्छा है, ये किसी भी तरीके की वो मैनेज कर देता है। एक मिनट, ये आ नहीं रहा, एक मिनट, पेमेंटर, फिर से स्पेलिंग में गलती हो गई, रुको, यहाँ पे आना तो चाहिए, बिलिंग करके देखते हम लोग। अब स्पेलिंग कितनी मिस्टेक हो रही है, आ ही नहीं रहा, रुको, पेमेंटर, अब तो आना चाहिए। ये देखो, ये है, ये एक बहुत VIP यार, यहाँ पे आपको सब दिखाएगा, इतने सारे मेथड्स हैं, ठीक है, आप जिससे पेमेंट मेथड वगैरह कर सकते, पेमेंट कर सकता है यूजर। तो इस मॉड्यूल से जैसी जितने भी GB का बंदा सर्वर बाय करेगा उसको टेरोडेक्टाइल से जो है सर्वर मिल जाएगा। अब देखो यार इसके अंदर भी ना नोड्स होती है, समझ लो डिवाइडर है। जैसे मैंने इस वाली होस्टिंग से यानी इन होस्टिंग में से मैंने एक पाकिस्तान लोकेशन का VPS ले लिया, एक इंडिया का ले लिया, तो दो अलग अलग मैंने ना नोड्स बना दी, समझ लो डिवाइडर्स बना दिए। अब अगर यूजर ने इंडिया लोकेशन का बाय करा होगा तो टेरोडेक्टाइल ऑटोमेटिक इंडिया वाले से इसको जितने भी GB का खरीदा होगा उतने का सर्वर दे देगा। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारा VPS 32 GB का, या आप कितने भी GB का ले सकते हो। तो इस तरीके से कुछ होस्टिंग सर्वर कंपनी वर्क करती है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ पैनल इंस्टॉल करा दिया VPS लेके, ठीक है, और उसी से किसी डिस्कॉर्ड पे जैसे बंदे को बोला हाँ भाई पेमेंट कर दो, बंदे ने पेमेंट करी, उसे उतने GB का दे दिया। इतना लंबा काम कोई नहीं करता कि डोमेन भी लगाए, फिर उसके लिए बिलिंग मॉड्यूल भी सेट करे, मेन वेबसाइट भी बनाए, अक्सर लोग ऐसा भी नहीं करते। बट अगर आपको एक प्रोफेशनल बनानी है ना वेबसाइट, तो ऐसा सब कुछ आपको करना पड़ेगा। बाकी अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आप बाय कर सकते हो। देखो ये एक हेडस्नर है, ठीक है, वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग सिंगापुर कह रहा हूँ, आप जर्मनी या फिर USA के सर्वर्स ले सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप एशिया में रहते हो ना तो बहुत कम MS मिलेगी। अगर हाँ आपके यूरोप में कस्टमर बनाना चाहते हो तो आप ले सकते हो, यहाँ ऑप्शन भी होते हैं, आप सस्ते में ले सकते हो। यहाँ बड़ी से बड़ी यानी आप बड़ी चीजें, बड़ा एक क्लाउड सर्वर ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं लोकेशंस, अभी यहाँ पर सिंगापुर एक न्यू लोकेशन ऐड हुई है, पहले नहीं थी। सो आपके लिए एक फायदा है कि आप एशिया में अगर रहते हो तो सिंगापुर एक लोकेशन आई है हेजनर की, सो ये अभी आई है, ठीक है, पहले तक नहीं थी। तो अगर आप जर्मनी भी देखोगे तो आपको मिल जाएंगी यहाँ पे काफी सारी, यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया था वो भी होते हैं ऑक्शंस, तो हाँ ऑक्शंस भी यहाँ पे होते हैं। ये देखो सर्वर ऑक्शन, आप सर्वर ऑक्शन के अंदर जैसे ही जाओगे यहाँ पे देखो, ये 64 GB रैम का VPS है, ठीक है, यानी आप i7 6th generation का, ये इतने डॉलर्स का है, ठीक है, यूरोस का है, 1 month पर मंथली आपको पे करना पड़ता है। तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब बताऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। जिन लोगों को ये सब कुछ पता है वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है।
आप दूसरी जगह से यहाँ से भी ले सकते हो क्वांटा, वो यहाँ आपको एशिया के वीपीएस मिल सकते हैं, ठीक है। हैशनर पे तो सारे ही बड़े वीपीएस हैं, आप छोटा वीपीएस भी ले सकते हो 6 GB रैम तक का, इस टाइप से लोकेशंस भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर अच्छी खासी। देखो कितनी सारी लोकेशन, जापान, सिंगापुर, सिडनी, इंडिया, UAE। और हाँ, अगर पाकिस्तान बनाना चाहते थे यार, उसके लिए आप कहीं वेब सेंटर से बात कर सकते हो। मैंने एक जगह से लिया था मिलियंस वेब सर्विस कर, ठीक है, यहाँ से मैंने डेटा सेंटर से बात करके पाकिस्तानी सर्वर लिया था, ठीक है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। उसके अलावा एक होती है जैप होस्टिंग। यहाँ पे सबसे खासियत इस वाली वेब की है कि यहाँ पे आप लाइफ टाइम का ले सकते हो, लाइफ टाइम का एक ही बारी वीपीएस ले लो और सारी जिंदगी उसको चलाओ, समझ रहे हो आप मेरी बात को। देखो लाइफ टाइम जितने आप ईयरली लोगे ना, तकरीबन उतनी आपको लाइफ टाइम पड़ती है यहाँ से भी आप ले। बट यहाँ पे नुकसान ये जर्मनी के सर्वर्स, यू कैन सी सिंगापुर के हैं बट स्टॉक में नहीं होते अक्सर, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बाकी आप होस्टिंगर से भी ले सकते हो, बट यहाँ पे ना प्राइसिंग बहुत ज्यादा महंगी होती है, तो बंदा प्राइसिंग अपने हिसाब से देख कर ही लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से यार देखो कुछ होस्टिंग सर्वर वर्क करती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कैसे वीपीएस लेते हैं होस्टिंग से, ठीक है। एंड उसके बाद आप टेरोडेक्टाइल उस पर इंस्टॉल कराकर, और हम टेरोडेक्टाइल और वीपीएस होस्टिंग नेक्स्ट में लेंगे, उसके बाद बिलिंग मॉड्यूल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वीडियो में डैशबोर्ड सेटअप करेंगे, तो सब कुछ बनाएंगे। बाय द वे अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो मैं आपको दिखाता चलूं कि मेरा सर्वर ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको फ्री जेन मिलेगा, ठीक है। जेन एक्सेस में आओ, यहाँ पे ना मैंने फ्री जनरेटर डाला हुआ है, जहाँ पे आप लोग चीज़ें वगैरह ले सकते हो, जैसे नाइट्रो MCF है। जैसे कि अगर मैं करूँ फ्री और इंटर कर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल VCC अगर मैं करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिक VCC प्रीमियम जनरेटर के अंदर है। मैं आपको दिखाता हूँ /free VCC अगर मैं करूँगा /premium VCC अगर आप करोगे तो आपको ये एक VCC जनरेट करके दे देगा DM में, ठीक है। यू कैन सी इसने जनरेट करके दे दिया है, या आप यूज कर सकते हो नाइट्रो वगैरह क्लेम करने के लिए। और ये वाला अगर आपको प्रीमियम जनरेटर चाहिए ना, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, VCC वगैरह, करंची रोल भी आने वाला है। तो इसके लिए आपको 200K मेरे को पे करने पड़ेंगे, 7 days में टिकट आप बना सकते हो। बाकी अगर फ्री जेन यूज़ कर सकते हो तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, सेम स्टफ है, तो ये भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ पे देखो फ्री प्रोमोस वगैरह, डिस्कॉर्ड के टूल्स, VCCs, कुछ चीज़ें, सर्वर सेटअप्स, ये देखो कितने सारे अच्छे अच्छे बैटबॉल के सर्वर सेटअप्स हैं आप लोगों के लिए। तो आप क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे मैं गिव अवेज भी करता रहता हूँ, इतने सारे लोगों को मैंने देखो गिव अवे दिए, यानी और को भी दिए, उन्होंने वाउच नहीं करा अभी तक। बाकी फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।